हम बात कर रहे हैं अशोक लेलैंड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो अशोक लेलैंड में हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हमने इससे पहले वीडियो में दोस्तों डिस्कस किया था 200 के ब्रेकआउट को और उसके ब्रेकआउट के बाद 220 और 220 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 240 तक का भी जम दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। चैनल पर वीडियो मौजूद है, चाहो तो आप देख सकते हो और देख सकते हैं अशोक लेलैंड ने हमको 240 तक का जम दिखाया। मार्केट के गिरावट के साथ जब बड़ी गिरावट आई तो स्टॉक ने अपने 190 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। इससे पहले जहां सपोर्ट लेके 140 तक के टारगेट दिखाए थे उसी सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। तो अब 240 का जो लेवल है इसके ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांस बढ़ रहे हैं क्योंकि सेम सपोर्ट से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। नीचे की ओर अब गिरावट आती है तो 230 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ब्रेकडाउन कर जाता है तो तगड़े सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 220 का लेवल, तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब बात करें टारगेट की तो इमीडिएट टारगेट 234-235 का लेवल रहेगा, ब्रेकआउट कर गया तो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 240 के लेवल पर, इसका मेजर रेजिस्टेंस है। इसके आसपास दोस्तों थोड़ा सा हमको अवेयर रहना है, इससे पहले भी स्टॉक ने इसी लेवल से गिरावट दिखाई है। 240 का लेवल तगड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अगर इसको ब्रेकआउट कर गया और ब्रेकआउट के ही चांसेस दोस्तों बने हुए, चार्ट पैटर्न को आप देखो तो किस तरह से नज़र आ रहा है, देखिए लगातार अप ट्रेंड हमको जंप के बाद स्टॉक में बायर एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, रिसेंट हाई ब्रेकआउट होता नज़र आ रहा है। तो 240 के ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट 250 और इस बाउंस बैक के साथ 260 से लेकर 280 तक के टारगेट हमको अशोक लेलैंड में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ तक का भी जंप हमको अशोक लेलैंड आने वाले दिनों में दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।